अगले 2 दिनों तक जरा संभल कर, क्योंकि न सिर्फ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तक में जबरदस्त ठंड का प्रकोप होने वाला है, ऐसा वैज्ञानिक बता रहे हैं। राजस्थान में तो इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं बर्फ की नौबत आई हुई है, चाहे वो कश्मीर हो, पहाड़ के तमाम इलाके हो, उत्तराखंड के हर जगह बर्फबारी और जबरदस्त ठंड ने जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। वाराणसी वाले विकट सर्दी को झेल रहे हैं, मुरादाबाद में शीतलहर ने जान आफत में डाल रखी है, कानपुर वाले कड़ाके की ठंड से कांप रहे हैं, प्रयागराज में जाड़े ने लोगों को जमा दिया है, यूपी तो यूपी, बिहार में भी ठंड ने जीना दुश्वार कर दिया है, पटना को भी ठंड ने अपनी गर्फ में ले रखा है, पंजाब भी ठंड से पूरी तरह से ठिठुर रहा है, लुधियाना में जाड़ा पीक पर चला गया है, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हर कोई यही कह रहा है बड़ी सर्दी है, शीतलहर जैसे बदन को चीरती हुई निकल रही है, ठंड में बाइक वालों के हाथ तो जैसे जमे जा रहे हैं, ठंड में खून जम चुका है तो इन सुलगते अंगारों से खून की रवानगी हो रही है, इसलिए लोग अलाव के आगे बैठने को मजबूर हैं। चाय की गर्म घूट और दहकती लकड़ियां ही सर्दी मिटाने का जरिया बन गई हैं। शहर शहर सड़कों पर ठंड का ऐसा प्रहार है कि हर कोई मोटे और गर्म कपड़ों में दुबका हुआ है, मुंह से जेम्स वॉट के बनाए गए रेलवे इंजन की तरह भाप निकल रही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा है, घना कोहरा छाया हुआ, सवेरे 6 बजे से घना कोहरा है और धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा, हम सब यहाँ पे बैठ के लकड़ी से ताप रहे हैं। जनवरी महीने में अभी ठंड तो काफी पड़ रही है, धुंध भी पड़ रही है, धुंध के साथ साथ लोगों को सुबह सुबह जो काम शाम के लिए निकलते हैं उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम, सुबह सुबह धुंध रहती है, जो लोग जाते हैं सुबह काम करने के लिए, कोई चाय पी रहा है, कोई आग सेक रहा, आग सेक के अपने आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है। राजस्थान में जम गई बर्फ, ठंड हुई भयंकर, ये वही रेगिस्तान है जहाँ गर्मी में पारा 50 डिग्री के पार चला जाता है और अब यहाँ श्रीनगर मनाली की तरह बर्फ पड़ गई है। तस्वीरें राजस्थान के माउंट आबू की है, आप देख सकते हैं कि कार पर बर्फ जमी है, मैदान में घास पर भी बर्फ जम गई है, लोग ठंड भगाने के लिए आग के आगे बैठे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। राजस्थान के माउंट आबू में पिछले एक हफ्ते से पारा माइनस में चला गया है, हम आपको बता दें कि माउंट आबू में पारा -5 डिग्री तक पहुंच गया है, राजस्थान के चूरू में पारा 0 डिग्री के पास, राजस्थान के चूरू में ठंड ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है, कोहरे और शीतलहर ने ऐसा तांडव मचा रखा है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करें, जिए तो कैसे जिए, चूरू में पारा 0 डिग्री तक चला गया है, राजस्थान का आधा हिस्सा घने कोहरे की चपेट में है, धुंध की वजह से 50 मीटर से ज्यादा दूर कुछ नजर नहीं आ रहा, मौसम विभाग का कहना है कि 5 साल बाद राजस्थान में विजिबिलिटी 50 मीटर तक गई है।